पोल आर देयर इन क्लास? कृष्णा, सतीश, दिव्या। ओके। कृष्णा, विशाखा। हु एल्स? आज हम करेंगे पेज नंबर 44। पेज नंबर 44 का किया था हमने। पेज नंबर 44 से स्टार्ट करेंगे, राइट? लास्ट पैरा, पेज नंबर 44 लास्ट पैरा से स्टार्ट करेंगे, करेक्ट है कृष्णा? पेज नंबर 44 लास्ट पैरा। इन स्पाइट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन, प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज इमीडिएटली। इनफैक्ट द बैड हार्वेस्ट ऑफ 1933 लेड टू वन ऑफ द मोस्ट डिवेस्टेटिंग फेमाइंस इन सोवियत हिस्ट्री व्हेन ओवर 4 मिलियन डाइड। तो हम देख रहे थे कि सोवियत यूनियन में किस तरीके से कंडीशंस बहुत खराब हो गए थे, बहुत बिगड़ गए थे, और 1930 से 33 के पीरियड में वहां पर एक जबरदस्त फेमाइन यानी बहुत भयंकर अकाल सूखा पड़ा, जिसके कारण जो है 4 मिलियन से ज्यादा लोग जो है वो मारे गए। मेनी विद इन द पार्टी क्रिटिसाइज द कंफ्यूजन इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अंडर द प्लैंड इकोनॉमी एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कलेक्टिवाइजेशन। स्टालिन एंड हिज सिंपथाइजर्स चार्ज दिस क्रिटिक्स विद कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सोशलिज्म। अब कई लोग इसको पॉलिटिक्स से जोड़ने लग गए, कई लोग बोले कि कंट्री के पास में इतना खाद्य सामग्री थी जिससे पूर्ति हो सकती थी, लेकिन जानबूझकर जो है इतने सारे लोगों को मरने दिया गया। तो इस तरीके से अलग अलग लीडर्स जो है वो अलग अलग तर्क दे रही थी और ये बात को कह रही थी कि ये जो है कंट्री की एक तरीके से जो है वो साजिश थी। एक्यूजेशंस वर मेड थ्रू आउट द कंट्री एंड बाय 1939 ओवर 2 मिलियन वर्स इन प्रिजन और लेबर कैंप। मोस्ट वर इनोसेंट ऑफ क्राइम्स। उसी समय में डेमोन्स्ट्रेशंस और ये जो एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट्स, इनके तहत अलग अलग केसेस में करीबन 2 मिलियन लोग जो है वो लेबर कैंप से जेल में बंद थे, और जिन जिसमें से ज्यादातर जो थे लोग वो इनोसेंट थे, वो एक्यूज्ड नहीं थे। बट नो वन स्पोक फॉर दम। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था कि जो उनके लिए कह सके या उनको फ्री करा सके या उनके लिए फाइट कर सके या उनके लिए जो है लीगल जस्टिस की डिमांड कर सके। ए लार्ज नंबर वर फोर्स टू मेक फॉल्स कन्फेशंस अंडर टॉर्चर एंड एग्जीक्यूटेड। सेवरल अमंग देम वर टैलेंटेड प्रोफेशनल्स। इसमें बहुत सारे लोगों को एग्जीक्यूट कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया, जिसमें कई सारे टैलेंटेड प्रोफेशनल्स लोग भी थे। अब आते हैं द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर। एग्जिस्टिंग सोशल पार्टीज इन यूरोप डिड नॉट होली अप्रूव ऑफ द वे द बोल्शेविक टुक पावर एंड कैप्टिव। हाउएवर द पॉसिबिलिटी ऑफ अ वर्कर स्टेट फायर्ड पीपल्स इमेजिनेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। इन मेनी कंट्रीज कम्युनिस्ट पार्टीज वर फॉर्म्ड लाइक द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। द बोल्शेविक एनकरेज कॉलोनियल पीपल टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट। मेनी नॉन रशियंस फ्रॉम द आउटसाइड द यूएसएसआर पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट 1920 एंड बोल्शेविक फाउंडेड कमिटन एंड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टीज। Some received education in the USSR Communist University of the Workers of the East. By the time of the outbreak of the Second World War, the USSR had given socialism a global face and a world stature. उसके बाद में जो है एंटी बोल्शेविक पार्टीज जो थी वो फॉर्म हुआ, एक इंटरनेशनल यूनियन बना, सोशलिस्ट पार्टीज जो बहुत अच्छी एडुकेटेड लोगों का ग्रुप हुआ करता था, और इसमें जो है बाय द एंड ऑफ द आउटब्रेक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होते होते यूएसएसआर जो है एक सोशलिस्ट कंट्री बन गई और वर्ल्ड के सामने में इसकी जो छवि बनी वो एक सोशलिस्ट कंट्री के रूप में बनी। येट बाय द 1950s इट वॉज एक्नोलेज विद इन द कंट्री दैट स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट इन द यूएसएसआर वॉज नॉट इन कीपिंग विद द आइडियल्स ऑफ रशियन रिवोल्यूशन।
in the world socialist movement too, it was recognized that all was not well in the Soviet Union. A backward country had become a great power. Its industries and agriculture had developed. The poor were being fed. But it had denied the essential freedoms to its citizens and carried out its development projects through repressive policies. ये देखा गया कि इसके बाद में यूएसएसआर जो है एक डेवलप्ड कंट्री बन गई, वर्ल्ड का एक पावरफुल कंट्री बन गई, लेकिन इसने जो हार्श पॉलिसीज इम्प्लीमेंट किए, उस हार्श पॉलिसीज के द्वारा लोगों का डेवलपमेंट तो हुआ, लेकिन इसमें बहुत सारे पूर सेगमेंट ऑफ द पीपल या डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ द पीपल की जो है अनदेखी की गई, उनको प्रॉपर राइट्स नहीं मिले. By the end of the 20th century, the international reputation of the USSR as a socialist country had declined. Though it was recognized that socialist ideals still enjoyed respect among its people, but in each country the ideas of socialism were rethought in a variety of different ways. तो इस तरीके से अब इन चीजों के होने के बाद में अलग अलग कंट्रीज में डेमोक्रेसी, अलग अलग कंट्रीज में सोशलिस्ट फंक्शंस को लेकर अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया होने लग गई और सबके जो है अलग अलग तरीके थे और सबके डिफरेंट आइडियाज थे. तो ये है तुम्हारा एंड ऑफ द चैप्टर. ये चैप्टर खत्म हो गया. इसमें जो क्वेश्चंस करने हैं हमको व्हाट वर द सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस इन रशिया बिफोर 1905, ये वाला क्वेश्चन हमको करना है. What were the social, economic and political conditions in Russia before 1905? इसका आंसर पता है तुमको? Any idea? What were the social, economic and political conditions in Russia before 1905? किसी को पता आंसर इसका? नहीं ढूंढे हो, मार्क भी नहीं किया होगा किसी ने. क्या चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं? इन क्वेश्चन आंसर्स को ढूंढे जो जो है रेलिवेंट, मार्क करे नहीं किए होंगे. कृष्णा, नहीं पता किसी को आंसर? व्हाट वर द सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस इन रशिया बिफोर 1905? चलो फिर इसका आंसर लिखो. पेज नंबर आ जाओ 32 में. पॉइंट में लिखना है. पॉइंट नंबर 1 लिखो 32 में, लास्ट लाइन. रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी अनलाइक अदर यूरोपियन रूलर्स. इवन एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी द सार वॉज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट. Liberals in Russia campaigned to end the state of affairs. ये होगा पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 1 पॉइंट में लिखना है. पॉइंट नंबर 1 अगेन रिपीट कर रहा हूं. पेज नंबर 32 के लास्ट टू लाइंस. रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी अदर अनलाइक अदर यूरोपियन रूलर्स इवन एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी द सार वॉज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट. लिबरल्स इन रशिया कैंपेन टू एंड द स्टेट ऑफ अफेयर्स. यह है तुम्हारा पॉइंट नंबर 1. सेकंड लिखो, सेकंड पैराग्राफ में आ जाओ. पॉइंट नंबर 2. द ईयर 1904 वाज पर्टिकुलरली बैड वन फॉर रशियन वर्कर्स. प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स रो सो क्विकली दैट रियल वेजेस डिक्लाइंड बाय 20%. द मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशन रोज ड्रामेटिकली. यह है पॉइंट नंबर 2. यह है पॉइंट नंबर 2.
पेज नंबर 33 का सेकंड पैरा, द ईयर 1904 वाज पर्टिकुलरली अ बैड वन फॉर रशियन वर्कर्स, प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स रोज सो क्विकली दैट रियल वेजेस डिक्लाइन बाय 20%, द मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशन रोज ड्रामेटिकली। ठीक है, उसके बाद में आ जाओ पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 लिखो, फोर्थ पैराग्राफ में आ जाओ, पेज नंबर 33 का। ड्यूरिंग द 1905 रिवोल्यूशन द सार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसुलेटिव पार्लियामेंट और डूमा फॉर ए ग्रुप, वाइल ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन देर एग्जिस्टेड ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड फैक्ट्री कमिटीज मेड अप ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स। आफ्टर 1905 मोस्ट कमिटीज एंड यूनियंस वर्क अनऑफिशियली सिंस दे वर डिक्लेयर्ड इलीगल। यहां तक ये है पॉइंट नंबर 3। वापिस रिपीट कर रहा हूं, पेज नंबर 33 फोर्थ पैराग्राफ में आ जाओ, पेज नंबर 33 फोर्थ पैराग्राफ। ड्यूरिंग द 1905 रिवोल्यूशन द सार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और ड्यूमा फॉर ए ब्रीफ, वाइल ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन देर एग्जिस्टेड ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड फैक्ट्री कमिटीज मेड अप ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स। आफ्टर 1905 मोस्ट कमिटीज एंड यूनियन वर्कर्स वर्क अनऑफिशियली सिंस दे वर डिक्लेयर्ड इलीगल। लिख लिया सबने? सबके हो गए? सबने लिख लिया क्या? हाँ, ठीक है, ओके नाउ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट वेज वाज द वर्किंग पॉपुलेशन इन रशिया डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज इन यूरोप ड्यूरिंग 1917। सेकंड वाला भी क्वेश्चन अपने को करना है, इन व्हाट वेज वाज द वर्किंग पॉपुलेशन इन रशिया डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज इन यूरोप बिफोर 1917। इसको भी पॉइंट में लिखना है, सेकंड वाला क्वेश्चन। पेज नंबर 31 में आ जाओ, फर्स्ट लाइन फर्स्ट पॉइंट बनाओगे, एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी द वास्ट मेजोरिटी ऑफ रशियाज पीपल वर एग्रीकल्चरिस्ट, अबाउट 85% ऑफ द रशियन एम्पायर पॉपुलेशन अर्न देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। यह है पॉइंट नंबर 1। एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी द वास्ट मेजोरिटी ऑफ रशियंस पीपल वेर एग्रीकल्चरिस्ट, अबाउट 85% ऑफ द रशियन एम्पायर पॉपुलेशन अर्न देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। यह है तुम्हारा पॉइंट नंबर 1। उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ में आ जाओ, पॉइंट नंबर 2, इंडस्ट्री वॉज फाउंड इन पॉकेट्स, प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज वर सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को, क्राफ्ट्समैन अंडरटुक मच ऑफ द प्रोडक्शन बट लार्ज फैक्ट्रीज एग्जिस्टेड अलोंग साइड क्राफ्ट वर्क्स। यहां तक ये तीन लाइन, ये है तुम्हारा सेकेंड पॉइंट। आई रिपीट, पेज नंबर 31 का सेकेंड पैरा,
Industry was found in pockets. Prominent industrial areas were St. Petersburg and Moscow. Craftsmen undertook much of the production, but large factories existed alongside craft workshops. लिख लिया यहां तक सेकंड पॉइंट सबने, फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट। लिख लिया सबने, ओके। नाउ थर्ड पॉइंट, थर्ड पैराग्राफ में आ जाओ। मोस्ट इंडस्ट्री वॉज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। Government supervised large factories to ensure minimum wages and limited hours of work, but factory workers could not prevent rules being broken. ये है third point. Most industry, third paragraph का third point बनाओगे. Most industry was the private property of industrialists. Government supervised large factories to ensure minimum wages and limited hours of work, but factory inspectors could not prevent rules being broken. लिख लिया थर्ड पॉइंट, ओके। फोर्थ पॉइंट मार्क करो, फोर्थ पैराग्राफ में आ जाओ। वर्कर्स वर अ डिवाइडेड सोशल ग्रुप। Some had strong links with the villages from which they came. Others had settled in cities. नहीं, एक मिनट रुको। इसी के नीचे ये वाला भी लिखना है तुमको, being broken के नीचे। Fourth point इसको बनाओ, in third paragraph में ही। In craft units and small workshops, the working days were sometimes 15 hours compared with 10 to 12 hours in factories. Accommodation varied from rooms to dormitories. इसको fourth पॉइंट में लिखना है, थर्ड पैराग्राफ का ही ये नीचे की तीन लाइन, इसको फोर्थ पॉइंट बनाओगे। इन क्राफ्ट यूनिट्स एंड स्मॉल वर्कशॉप द वर्किंग डे वाज समटाइम्स 15 आवर्स कंपेयर्ड विद 10 टू 12 आवर्स इन फैक्ट्रीज। एकोमोडेशन वेरीड फ्रॉम रूम्स टू डॉर्मिटरीज। मिल गया सबको फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट लिखो, फोर्थ पैराग्राफ का थर्ड लाइन में आ जाओ। फोर्थ पैराग्राफ का थर्ड लाइन में, वर्कर्स वर डिवाइडेड बाय स्किल। ए मेटल वर्कर ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग रिकॉल्ड, मेटल वर्कर्स कंसिडर्ड देमसेल्स एरिस्टोक्रेट्स अमंग अदर वर्कर्स, देयर ऑक्यूपेशन डिमांडेड मोर ट्रेनिंग एंड स्किल। यहां तक यह फिफ्थ पॉइंट मिला सबको। फिफ्थ पॉइंट, वर्कर्स वर डिवाइडेड बाय स्किल, फोर्थ पैराग्राफ का थर्ड लाइन, वर्कर्स वर डिवाइडेड बाय स्किल, अ मेटल वर्कर, ए मेटल वर्कर ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग रिकॉर्ड, मेटल वर्कर्स कंसिडर देमसेल्स एरिस्टोक्रेट्स अमंग अदर्स, देयर ऑक्यूपेशन डिमांडेड मोर ट्रेनिंग एंड स्किल। तो ये पांच पॉइंट लिखने हैं इस आंसर्स में, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन ये भी करना है, व्हाई डिड द सारिस्ट ऑटोक्रेसी कोलैप्स इन 1917। ये क्वेश्चन भी अपने को करना है कि व्हाई डिड सारिस्ट ऑटोक्रेसी कोलैप्स इन 1917। थर्ड क्वेश्चन, Why did
Tsarist autocracy collapsed in 1917. पेज नंबर आ जाओ 33 में। थर्टी थ्री का फोर्थ पैराग्राफ में आ जाओ। पेज नंबर 33 का फोर्थ पैराग्राफ, इसको मैं पॉइंट में लिखना है। पहला पॉइंट ये होगा जो तुमने लिखा था, ड्यूरिंग 1905 रिवॉल्यूशन द सार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेट पार्लियामेंट और ड्यूमा फॉर ए ब्रीफ वाइल ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन देर एक्जिस्टेड ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड फैक्ट्री कमिटीज मेड अप ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स आफ्टर 1905 मोस्ट ऑफ द कमिटीज एंड यूनियंस वर्क्ड अनऑफिशियली सिंस दे वर डिक्लेयर्ड इलीगल। इसको भी इसको कैरी फॉरवर्ड करना इस आंसर में पॉइंट नंबर वन में, ऐसे कैसे नंबर टू में लिखना है। फिर पॉइंट नंबर टू में लिखोगे ये वाला पैराग्राफ लास्ट वाला, इन 1914 वार ब्रोक आउट बिटवीन टू यूरोपियन अलायंसेस जर्मनी ऑस्ट्रिया एंड टर्की द सेंट्रल पावर्स एंड फ्रांस ब्रिटेन एंड रशिया लेटर इटली एंड रोमानिया ईच कंट्री हैड ए ग्लोबल एम्पायर एंड द वॉर वॉज फॉट आउटसाइड यूरोप एज वेल एज इन यूरोप। ये वाला लिखोगे सेकेंड में, इन 1914 वार ब्रोक आउट बिटवीन टू यूरोपियन अलायंसेस जर्मनी ऑस्ट्रिया एंड टर्की द सेंट्रल पावर्स फ्रांस ब्रिटेन एंड रशिया ईच कंट्री हैड ए ग्लोबल एम्पायर एंड द वॉर वॉज फॉट आउटसाइड यूरोप एज वेल एज इन आउटसाइड यूरोप एज वेल एज इन यूरोप। ये सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में लिखोगे ये ला पैराग्राफ से In Russia, the war was initially popular and people rallied around Tsar Nicholas II. As the war continued, though, the Tsar refused to consult the main parties in the Duma. Support wore thin, anti-German sentiments ran high. Yahan tak. In Russia, the war was initially popular and people rallied around Tsar Nicholas II. As the war continued, though, The Tsar refused to consult the main parties in Duma. Support wore thin. Anti-German sentiments ran high. उसके बाद में इसके नीचे वाले पैराग्राफ के फोर्थ लाइन में आ जाओ, 1 2 3 4 फिफ्थ लाइन में। डिफीट्स वर शॉकिंग एंड डिमोरलाइजिंग रशियाज आर्मीज लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया बिटवीन 1914 एंड 16 देयर वर ओवर 7 मिलियन कैजुअल्टीज बाय 1917 एंड दे रिट्रीटेड द रशियन आर्मी डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स टू प्रिवेंट द एनिमी फ्रॉम बीइंग एबल टू लीव ऑफ द लैंड द डिस्ट्रक्शंस ऑफ क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स लेड टू ओवर 3 मिलियन रिफ्यूजीज इन रशिया द सिचुएशन डिस्क्रेडिटेड द गवर्नमेंट एंड द सार। यहाँ तक डिफीट्स, हाँ रुको दो 5 मिनट। ओके, डिफीट्स वेर शॉकिंग एंड डिमोरलाइजिंग रशियाज आर्मीज लॉस्ट बैडली इन जर्मन एंड ऑस्ट्रिया बिटवीन 1914 एंड 1916
There were over 7 million casualties by 1917 as they retreated. The Russian army destroyed crops and buildings to prevent the enemy from being able to live off the land. The destruction of crops and buildings led to over 3 million refugees in Russia. The situation discredited the government and the Tsar. हो गया, सबने यहां तक कर लिया? एवरीवन, सबके हो गए ना यहां तक? एनी डाउट? अच्छा, कुछ वर्क मैं दे रहा हूं जो नेक्स्ट क्लास में तुम करोगे। एक, ये फिफ्थ वाला आंसर, व्हाट वेर द मेन चेंजेस ब्रॉट बाय बोल्शेविक इमीडिएटली आफ्टर द अक्टूबर रिवॉल्यूशन। ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन के आंसर्स को ढूंढ के निकालोगे, ठीक है? उसके बाद में राइट ए फ्यू लाइंस टू शो व्हाट यू नो अबाउट। इसमें एक तो कुलक्स करना, एक ड्यूमा, लिबरल्स और स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम, इन चार के आंसर्स। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के निकालना है तुमको, व्हाट वर द मेन चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय बोल्शेविक इमीडिएटली आफ्टर द अक्टूबर रिवॉल्यूशन, इसका एक आंसर। दूसरा क्वेश्चन नंबर सिक्स का, ये वाला छोड़ देना, विमेन वर्कर्स बिटवीन 1900 एंड 1930, इसको छोड़ के बाकी सारे करने हैं। और समझ में आ गया ना? इन क्वेश्चंस के अलावा कुछ और भी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगा जिनके आंसर्स मैं खुद ही बता दूंगा। ये क्वेश्चंस तो तुमको करने हैं तुम्हारे पार्ट में, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस मैं और दूंगा मेरे पार्ट में जो तुमको सॉल्व करने हैं, ठीक है? सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय। ये होमवर्क कर ही लेना कंप्लीट, समझ गए ना सब?